हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टैकी एस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी F14 5G को आप स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में जो पावर बटन होता है, जिससे कि हम फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं या फिर फ़ोन की स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हैं, आपको उसे 1-2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो ऑप्शंस आ जाएंगे, चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मैंने पावर बटन को प्रेस किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस आ चुकी है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ऑफ। अगर आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पहले वाली जो ऑप्शन है पावर ऑफ, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करना चाहते, ओनली रीबूट या फिर रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सेकेंड वाली ऑप्शन रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो फ़ोन है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे आप अपने फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी F14 5G को स्विच ऑफ और स्टार्ट कर सकते हैं।